नमस्कार दोस्तों, देश पर मर मिटने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का रहने वाला जाबाज सैनिक श्रीनगर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए रविवार को वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। इस खबर से शहीद के घर में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का कहना था कि सौरभ जल्द घर आने वाले थे, इसी बीच यह घटना आ गई। बरेली के सनसिटी विस्तार में रहने वाले सेना से रिटायर्ड कैप्टन राजकुमार राणा का परिवार रहता है। उनके बड़े बेटे सौरभ राणा वर्ष 2014 में फतेहगढ़ में राजपूत रेजिमेंट सेंटर में भर्ती हुए थे। भर्ती होने के बाद इन दिनों उनकी तैनाती एलओसी पर गुरेज सेक्टर में चल रही थी। बताया जा रहा है कि रविवार को दोपहर में क्रॉस फायरिंग के दौरान दुश्मनों की गोली लगने से जाबाज सौरभ राणा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। जैसे ही शहीद की खबर उनके घर में पहुंची तो घर में मातम छा गया। शहीद जवान सौरभ राणा के पिता राजकुमार राणा ने बताया कि वह खुद आर्मी में थे। उनको देखकर उनके बेटे ने आर्मी ज्वाइन की। उसके अंदर हौसला था, जज्बा था और हर वक्त दुश्मनों से मोर्चा लेने के लिए तैयार रहता था। पर कल रविवार को क्रॉस फायरिंग में उनके बेटे सौरभ राणा ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिससे उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। शहीद सौरभ राणा के दोस्त और रिश्तेदार के भाई गौरव सिंसोदिया कहते हैं कि वह शुरू से आर्मी में जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने वर्ष 2014 में आर्मी ज्वाइन की। जब भी वह छुट्टी लेकर गांव आते थे तो अपने जाबाजी के किस्से सुनाए करते थे। अब उनके शहीद होने से उनकी शहादत पर हमें गर्व है और दुख भी हो रहा है। वहीं शहीद सौरभ राणा के परिवार में उनकी दादी गायत्री देवी, पिता राजकुमार राणा, माता कुसुम, पत्नी और दो बेटे हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर बलिदानी सौरभ राणा जी की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश पर मर मिटने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।